गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल है हमारा SDLC मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटरफॉल मॉडल को ही हम लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अंदर कोई भी फेज तब स्टार्ट होगी जब उससे पहले वाली फेज कंप्लीट हो जाएगी। In this model, each phase must be completed before the next phase can begin. कोई भी phase तब तक start नहीं हो सकती जब तक कि उससे पहले वाली phase complete नहीं होगी. Any phase in the development process begins only if the previous phase is complete. इस model के अंदर कोई भी phase हमारी overlap नहीं होती है. एक बार diagram देख लें आप एक बार, ये देखिए जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि कोई भी फेज ओवरलैप नहीं हो रही है। नेक्स्ट फेज तभी स्टार्ट होगी जब उससे पहले वाली स्टेज कंप्लीट, उससे पहले वाली फेज कंप्लीट हो जाएगी। ये इट इज द अर्लीस्ट SDLC अप्रोच दैट वाज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आपका सबसे पहला मॉडल है SDLC का जो डेवलप हुआ था। ये एक सबसे सिंपल मॉडल है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट मॉडल, आइडियल मॉडल है ये। इसको जनरली यूज नहीं किया जाता, ये हम आगे देखेंगे इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ये एक आइडियल मॉडल है, अदर मॉडल्स आर बेस्ड ऑन दिस मॉडल। कई मॉडल्स हैं आगे जो इस पर बेस्ड हैं, और ये एक नॉन इटरेटिव मॉडल है। डायग्राम देखें वाटरफॉल मॉडल का, ये जो आपकी SDLC की फेजेस हैं, ये सारी फेजेस मेंशन है इसमें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे झरना बहता है पानी का, वैसे फेजेस हैं इसकी। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी सिस्टम डिज़ाइन फेज स्टार्ट होगी। जब ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग स्टार्ट होगी। कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट होगी, इसके बाद डिप्लॉयमेंट। इसमें कोई भी फेज आपकी ओवरलैप नहीं करेगी। एक फेज तभी स्टार्ट होगी जब उससे पहले वाली फेज कंप्लीट हो जाएगी। अब इन फेजेस के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में देखते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, जितनी जो अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप उस डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट, वो इस फेज में हम गैदर करेंगे, कैप्चर करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे फॉर देयर वैलिडिटी एंड फिजिबिलिटी। मतलब जो यूज़र ने कहा, जो क्लाइंट ने कहा है, वो डेवलप हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उसकी वैलिडिटी और फिजिबिलिटी चेक करेंगे। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसे हम SRS कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड इन अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सिस्टम डिज़ाइन फेज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम जो भी हमने SRS बनाया है उसकी स्टडी करके आगे सिस्टम का डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे, ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे और इंटरफेसेस डिज़ाइन करेंगे। दिस सिस्टम डिज़ाइन हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग हार्डवेयर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। जब आपका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल्स में कोडिंग करेंगे। द सिस्टम इज फर्स्ट डेवलप्ड इन स्मॉल प्रोग्राम्स जिन्हें हम यूनिट्स कहते हैं, और विच आर इंटीग्रेटेड इन द नेक्स्ट फेज। उसे उनकी इंटीग्रेशन हम आगे वाले फेज में करेंगे। हर यूनिट जो आप इस फेज में डेवलप कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग की जाएगी उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, और उस टेस्टिंग को हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ईच यूनिट इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड फॉर इट्स फंक्शनैलिटी विच इज़ रेफर्ड टू एज यूनिट टेस्टिंग। आगे इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग की बात करेंगे। जब हमने जो कोड हमने इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज में लिखा है, यूनिट्स जो बनाई हैं, उनकी उनका इंटीग्रेशन करेंगे इस फेज में, और सिस्टम को एज अ होल हम टेस्ट करेंगे कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई फेलियर तो नहीं है। All the units developed in the implementation phase are integrated into a system after testing of each unit. Post integration the entire system is tested for any faults and failures. एक बार आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरीके की, तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आपने जो सिस्टम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो रेडी है आपके क्लाइंट की साइट पर स्टार्ट करने के लिए।
तो आप उसे वहां डिप्लॉय करेंगे. द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द कस्टमर्स एनवायरमेंट और रिलीज्ड इन टू द मार्केट. एक बार आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया या आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, तो उसके बाद भी मेंटेनेंस के कुछ इश्यूज रहते हैं. तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप उसे कुछ टाइम के लिए मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर आप इस फेज में मेंटेनेंस करेंगे. मेंटेनेंस का मतलब कोई एरर आ गई वहाँ क्लाइंट के उस पर, तो उसके लिए कोई पैचेस अगर आपको इशू करने हैं तो वो पैचेस इशू करेंगे. कोई नया वर्जन आप रिलीज करना चाहते हैं तो वो करेंगे. देर आर सम इशूज विच कम अप इन द क्लाइंट्स एनवायरमेंट. टू फिक्स दोज इशूज पैचेस आर डिलीवर्ड. ऑल्सो टू एनहेंस द प्रोडक्ट सम बेटर वर्जन आर रिलीज्ड. मेंटेनेंस इज डन टू डिलीवर दीज थिंग्स इन द कस्टमर एनवायरमेंट. आगे हम देखते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है. देखिए वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी फेज का फीडबैक नहीं लेते, वो फेज खत्म हो गई, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगी. तो ये वाटरफॉल मॉडल आप यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि ये आपको एरर करेक्शन का मौका ही नहीं देता. बिल्कुल लास्ट में जाके आपको एरर पता चलती है. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम इल्यूजन थ्रू द इल्यूजन ऑफ फीडबैक पाथ्स. आगे एडवांटेजेस देखते हैं इसके. सबसे ईजी और सिंपल मॉडल है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. फेजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं अपनी. जो भी स्टेजेस होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस होती हैं इसके लिए. और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत, आपका जो प्रोजेक्ट है वो छोटा है, वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट. अगर प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो ये मॉडल सही से आपके लिए वर्क करेगा. जहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल क्लियर हैं, आगे उनमें चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, तो दिस मॉडल इज बेस्ट मॉडल फॉर those projects. Works well for smaller projects where requirements are very well understood. आगे disadvantages की बात करते हैं हम, तो disadvantages में it does not allow much reflection or revision. Once an application is in testing phase, it is very difficult to go back and change something that was not well documented or thought upon in the कंसेप्ट स्टेज. इसमें आपको रिवीजन का या पीछे रिफ्लेक्शन का कोई टाइम नहीं होता. लास्ट में टेस्टिंग स्टेज पे ही आपको पता चलता है कि आपने कुछ प्रॉब्लम करी है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है. तो आपके पास देर इज नो वे टू गो बैक एंड चेंज समथिंग, बिकॉज जब तक पूरा लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आप वापस से स्टार्ट नहीं कर सकते इसमें. नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. आपको जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो बहुत लास्ट में मिलता है इस लाइफ साइकिल मॉडल में. अगर आपका आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स और कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, तो या कोई लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट, बिकॉज आप चेंज नहीं कर सकते कहीं भी किसी भी स्टेज पर. तो ये सूटेबल नहीं है लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए. और साथ ही में ये जहाँ आपका आपका रिस्क ज़्यादा है जिन प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ भी इट इज़ नॉट सूटेबल. इस प्रोजेक्ट इसके अंदर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन दी स्टेजेस. आप स्टेजेस के अंदर प्रोग्रेस मेजर नहीं कर सकते. अगर डिलेज टेस्टिंग अंटिल द एंड ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल लास्ट में जाके होती है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में. तो अगर स्टार्टिंग से ही SRS बनाते टाइम भी कोई एरर हो गई है या डिज़ाइनिंग में कोई एरर है, तो वहाँ आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते. डज नॉट कंसिडर एरर करेक्शन. डज नॉट हैंडल रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस स्कोप एडजस्टमेंट और अपडेट्स वेल. बिल्कुल लास्ट में जाके ही चेंज आपको प्रोडक्ट दिखाई देता है, तो आपके पास कोई चेंज करने का स्कोप नहीं होता. रिड्यूसेस एफिशिएंसी बाय नॉट अलाउिंग प्रोसेसेस टू ओवरलैप. एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आप प्रोसेसेस को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं इसकी. आप कब कब वाटरफॉल मॉडल को यूज कर सकते हैं? अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं और फिक्स हैं, कोई एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट नहीं है और उसमें कोई चेंज नहीं होना आपकी रिक्वायरमेंट्स में, तो आप ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं. रिस्क फैक्टर अगर आपके प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर कंसिडर्ड नहीं है रिस्क फैक्टर, तो द क्लाइंट हैज़ हाई कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर क्लाइंट को बहुत विश्वास है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कि उसने जो एक बार आपको बता दिया वो आप बिल्कुल करेक्टली डेवलप करेंगे,
तो आप इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें यूज़र कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। आप इनिशियली बस क्लाइंट से बात करते हैं और जब आपको प्रोजेक्ट बन जाता है तब आप उसे डिलीवर करते हैं। तो अगर क्लाइंट को इतना कॉन्फिडेंस है तो आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक्सपर्टाइज है सिमिलर प्रोजेक्ट में, हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत शॉर्ट है तो आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्नोलॉजी बहुत क्लियरली अंडरस्टूड है, टेक्नोलॉजी डायनेमिक नहीं है, तो आप उस केस में वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गुड टू यूज़ दिस मॉडल व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ वेल अंडरस्टूड। तो अब आज हमने देख लिया इस वीडियो लेक्चर में वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल का ये जो डायग्राम है, ये वाटरफॉल मॉडल के फेजेस सारी, वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जब आप वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के और भी मॉडल्स हैं, जैसे स्पायरल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।